हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप देख रहे हैं एसएससी मैस्ट्रोस। सो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वीडियो इन ऑन एसएससी मैस्ट्रोस। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको मेरे बगल वाली स्क्रीन पे आपको कोई दिख रहा है एंड व्हाट इज हर नेम एंड व्हाट शी एक्चुअली डज एंड व्हाई शी इज हियर, इन सभी बातों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस इंटरव्यू को पूरा देखिए और समझिए क्या कुछ चीजें लगती हैं आपकी तैयारी में और आपकी तैयारी करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद आपका जीवन कैसा होता है। तो दोस्तों स्वागत है करिए आपका। आपके साथ में आज हैं तनु मुदगल जी एंड शी अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 138 इन सीजीएल 2016। तो इन्होंने सीजीएल 2016 में ऑल इंडिया रैंक 138 अचीव की है और अभी ये वर्तमान में एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में कार्यरत हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में काम कर रही हैं एएसओ की पोस्ट पे और 2016 की पोस्ट से सीजीएल से सेलेक्ट हुई हैं। तो अभी इनको करीब एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है जॉब में। तो इनसे हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है, जॉब के बाद में आपकी लाइफ कैसी होती है, जॉब का एएसओ की पोस्ट का काम क्या होता है और एएसओ क्या कैसी लाइफ जीते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी करी और कैसे इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 138 हासिल करी और क्या कुछ इनकी तैयारी में चीजें थी। तो स्वागत करते हैं आपका तनु जी इस वीडियो में। और सो बिफोर लेट्स स्टार्ट, हम बात बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करते हैं। तनु, आप एसएससी सीजीएल 2016 आपने क्लियर किया था। सो आपका ग्रेजुएशन किस ईयर हुआ? 2014 में आपने फाइनल हुआ। 14 में फाइनल ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद 2015 2016 में आपने सिलेक्शन लिया है। तो आपने 2015 में दिया था? हाँ, 15 भी अटेम्प्ट किया था एंड उसमें कुछ एज के मार्जिन से मेरा रह गया था। एज कम रह गई थी मेरी। I was qualified for the post of I would have been qualified for the post of TA. हाँ, TA. My marks was TA in income tax. 416 marks थे मेरे। हाँ, 416 marks थे, but age मेरी not so. समझ गए। age 416. हाँ, so मेरी age 20 मेरी मार्कशीट वाइज मेरी एज 20 नहीं हो रही थी एंड मिनिमम एज क्वालिफिकेशन उस टाइम 20 था। मतलब उम्र से पहले ही आपने उस वजह से मेरा ले लिया था, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि अभी नहीं हो पाएगा। सो दैट वाज द लास्ट, मतलब सबसे कम लास्ट वाली पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो पाया था उस बार। तो नहीं हुआ, अच्छा था कि मैंने और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया, वो सबसे अच्छी पोस्ट ली थी और क्या ऑल इंडिया रैंक 138 अचीव की। तो आपने बीएससी किया था? यस, हिंदी मीडियम बीएससी। हिंदी मीडियम पीसीएम। अच्छा, पीसीएम हिंदी मीडियम से। ग्रेजुएशन आपने यूपी बोर्ड से किया? सॉरी, 12th आपने यूपी बोर्ड से किया है? हाँ, 12th यूपी बोर्ड से किया था एंड फाइनल ईयर दैट इज पीसीएम इज इंग्लिश हिंदी कंबाइंड रहता है ग्रेजुएशन में। मतलब वो समझ गया। ओके, सो कब आपने डिसाइड किया कि आपको सीजीएल ही करना है? इवन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही था कि मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना है, कुछ करना है। और उसी टाइम मतलब जैसे हम मेरे होम टाउन में एक छोटी सी कोई कोचिंग खुली थी, सो वहाँ से एसएससी के लिए थी, वो एसएससी के लिए सीजीएल और जो भी यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट के, तो उन सब के लिए थी। तो वहाँ ज्वाइन की थी वो कुछ मंथ्स के लिए। तो वही 15 का एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद कब हुआ था, बट फिर 15 का प्री मेरा वहीं से हो गया था होम टाउन से। वहाँ कुछ मंथ्स की कोचिंग की थी, वहाँ हो गया था। फिर 15 के प्री के बाद मैंने लखनऊ कोचिंग की थी पैरामाउंट में मेंस के लिए। सो 2 मंथ्स की कुछ वो कोचिंग रही थी, 2.5 मंथ्स। तो वहाँ से फिर मेंस की वहाँ कोचिंग की थी। सो उस टाइम रह गया था एज क्राइटेरिया की वजह से। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी की थी नेक्स्ट टाइम। ओके, तो आपने जो पहली बार आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद में तैयारी शुरू की थी, आपने होम टाउन का नाम नहीं बताया? चंदौसी से। चंदौसी यूपी मुरादाबाद के पास पड़ता। चंदौसी से आपने, और चंदौसी के बाद आपने लखनऊ से तैयारी करी अपनी। यस, ठीक है। तो फिर आपने जो तैयारी करी, तो अब एक एक चीज करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी हालांकि काफी पेपर में काफी चेंजेस आ गए, बट स्टिल मोर और लेस चीजें सेम ही रहती हैं। सब एग्जाम वही का वही है, कुछ पेपर में चेंजेस है, पढ़ने का तरीके में कुछ खास बदलाव नहीं आते। और बीइंग अ टॉपर आप ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये आप ये बताइए, हम एक एक चीजों पे बात करेंगे। आप क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो एक बार क्वांट से शुरू करते हैं कि क्वांट के लिए आपने, आपकी पहले से क्वांट कैसी थी? मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम से थी तो क्वांट बहुत अच्छी थी, या फिर आपकी एवरेज थी और आपने फिर कैसे उसको तैयारी करी और बुक लिस्ट? आई वाज गुड एट स्टडीज, तो मेरे सारे सब्जेक्ट बैकग्राउंड अच्छा था मेरा, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स क्लियर थे, तो बस ये था कि पॉलिश करना था उसे, हार्ड काफी प्रैक्टिस काफी की थी एंड सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, उस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, हर चीज बी क्वांट और इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट्स एंड जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस पे ध्यान दिया। अच्छा, तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर, मतलब आपका अच्छा था, तो आपने क्वांट के लिए एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई की थी? मैथ, एडवांस और अरिथमेटिक को कैसे लेकर चली थी? कौन कौन सी बुक्स लगाई थी आपने? क्वांट के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक लगाई थी। पहले तो कोचिंग का जो मटेरियल था, जो हमारा मेरी होम टाउन कोचिंग थी वहाँ भी, और जैसे पैरामाउंट के जो सर थे हमारे, आशीष कुशवाहा सर थे, तो वो भी अनअकैडमी पे एजुकेटर हैं अभी, तो उनकी वो हमें पढ़ाते थे वहाँ पैरामाउंट में, तो उनके क्लास नोट्स एंड उसके बाद किरण पब्लिकेशन की बुक, प्रैक्टिस सेट्स और जो लास्ट ईयर पेपर्स, और फिर पैरामाउंट के सेट्स एंड केडी कैंपस के मैंने और सेट्स लिए थे, प्रैक्टिस सेट्स, तो वो। ओके, तो मतलब आपने किरण लगाई और उसी को ही बार बार आप करते रहे? क्लास नोट्स एंड किरण, बुक के लिए मैंने क्लास नोट्स एंड किरण। स्टडी शेड्यूल क्या रहता था? कितने घंटे आप मैथ्स लगाते थे दिन में? कितने घंटे मैथ्स लगाते थे, ऐसा कभी नहीं रहा कि टाइम देख के ऐसा लगाया हो, कि हाँ ये था कि मतलब एक टॉपिक कोई कर लिया, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस कर लिया, या कि एक टॉपिक एक दिन कर लिया, इंग्लिश का कोई एक पार्ट कर लिया, उस टाइप से, ऐसे आवर्स के हिसाब से कभी नहीं लगाया। बस हाँ, क्लास का रहता था, जब क्लास थी तो क्लास का तुरंत रिवाइज करना है, नेक्स्ट डे ही पूरा कवर करके, उसके बाद फिर एक एक टॉपिक करके, और फिर प्रैक्टिस सेट जब लगाने शुरू किए थे तब एक प्रैक्टिस सेट होने के बाद उसको पूरा रिवाइज करना है, जो भी क्वेश्चंस अगर गलत हो गए तो क्यों गलत हो गए हैं, कि कहाँ। फिर मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत लेंथी होते हैं, तो हमारे सर ने भी ये बोला था कि उनको आप एग्जैक्टली रिमेम्बर कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर के शॉर्ट ट्रिक्स से रिमेम्बर करने के लिए भी बोला था, तो वैसे भी किए थे। इस टाइप से मेन ध्यान वही था कि प्रैक्टिस सेट, और अगर उनको रिवाइज करना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट्स, उनका रिवीजन। किरण आपने कितनी बार लगाई थी, एक बार या दो बार? दो बार किरण आपने पूरी खत्म की थी? हाँ। तो और किरण के अलावा आपके जो प्रैक्टिस सेट्स थे, जो भी मटेरियल था, उन सभी पीडीएफ वगैरह किया था, और उसके थ्रू आपकी मैथ्स हो गई थी अच्छी। तो मैथ्स आपकी कैलकुलेशन वगैरह को तेजी करने के लिए आपने क्या किया था? क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, जैसे हम याद करते हैं अराउंड 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब्स, उस टाइम, अभी तो नहीं होंगे बट उस टाइम याद थे, सो वो याद किए थे। कैलकुलेशन फिर जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो आपको अपने आप होता जाता है, वो आप इजी रिमेम्बर होने लगते हैं वो टेबल्स भी काफी फॉर मैथ्स, कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपकी होती जाएगी। फिर क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है, एसएससी के एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है मैथ्स के लिए, तो अगर कैलकुलेशन आपकी तेज नहीं है तो आप नहीं हो पाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस जितना आप कर पाएंगे उसी से स्पीड भी मेंटेन होगी, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए ठीक है, तो क्वांट की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए क्या पढ़ते थे? और हम थोड़ा सेक्शन वाइज इंग्लिश को बांट लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपके एक तो वर्बल सेक्शन हो जाता है, जिसमें आपके पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और आरसी आ जाता है, एक वोकैबुलरी सेक्शन हो जाता है और एक ग्रामर सेक्शन हो जाता है, तो आप तीनों सेक्शन को कैसे टैकल करते थे? कौन सी बुक्स आपने इंग्लिश के लिए लगाई थी? ग्रामर के लिए वही प्लिंग टू पैरामाउंट वही की थी, और क्लास नोट्स एंड प्लिंग टू पैरामाउंट एंड देन प्रैक्टिस सेट। और जो पैराजम्बलिंग वगैरह के लिए मैं आई डेंट प्रेफर एनी अदर स्पेशल बुक, बट प्रैक्टिस सेट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस सेट। वोकैबुलरी के यस आई यूज टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो जो भी टफ वर्ड्स होते थे उनकी एक डायरी बना ली थी मैंने, वो मैं नोट करती थी डिक्शनरी से, फोन से या फिजिकल डिक्शनरी से, जो भी है नोट करती थी, और उनको एक नजर देख लिया, अगले दिन भी एक नजर देख लिया, कोई नया वर्ड लिखा तो पुराना पेज एक बार फिर से देख लिया, इस टाइप से। तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे? कितने महीने तक आपने लगभग न्यूज़पेपर डेली पढ़ा होगा? न्यूज़पेपर पे ज्यादा ध्यान दिया था मैंने अपने डेस्क्रिप्टिव से पहले ज्यादा ध्यान दिया था, उससे पहले भी कभी कभी, बट डेस्क्रिप्टिव से पहले रेगुलर 2 मंथ्स पढ़ा था। ओके, तो न्यूज़ वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए और उसके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? क्योंकि बच्चे कई बार इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि द हिंदू ही पढ़ना है, भले ही समझ नहीं आ रहा। अब नहीं, मेरे यहाँ जो अवेलेबल था वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया अवेलेबल था तो मैंने वही पढ़ा था उस टाइम। तो उस टाइम ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ती थी, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी थी, तो फिजिकल न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया अवेलेबल था तो वही किया था। हाँ, मतलब इतना एक्चुअली मतलब न्यूज़पेपर हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि, क्योंकि बेसिकली हमें द हिंदू ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ना है, तो कोई भी न्यूज़पेपर काम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो आपने वोकैबुलरी के लिए न्यूज़पेपर से ही पढ़ते थे और जो किताबों में वोकैबुलरी दी थी वो याद की थी। हाँ हाँ, यस। एमबी पब्लिकेशन आपने लगाई थी? नहीं, एमबी नहीं लगाई थी। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप पब्लिकेशन नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए थे आपने इंग्लिश? प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ प्रैक्टिस सेट मैंने उनसे पैरामाउंट एंड केडी कैंपस के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये इंग्लिश की बात होगी। इसके बाद बात करें जीएस की, ये बहुत ज्यादा समस्या देता है। आपने कितना समय दिया था जीएस को और कितनी आपने तैयारी की थी? जीएस क्योंकि केवल प्री के लिए जरूरी होती है, तो प्री में मैंने ल्यूसेंट की थी उस टाइम जीएस, और जीएस में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा शुरू से रहा है तो ठीक था। और एसएससी के जीएस इतना डिटेल्ड भी नहीं होती है, सो ल्यूसेंट से ही की थी केवल। अच्छा, तो लूसेंट से। और एमसीक्यूज के लिए कोई अदर किताब प्रेफर नहीं की थी, सिर्फ लूसेंट? हाँ, जीएस में प्री में ज्यादा कोशिश नहीं की थी जीएस की। ओके, ठीक है। तो जीएस के लिए आपने, अच्छा आपके प्री में मार्क्स कितने थे? मेरे 16 में 159 मार्क्स थे। 159 थे। एंड टीयर 2 में? टीयर 2 में मैं मैथ्स में थे 184 और इंग्लिश में थे 164। और टीयर 3 में? टीयर 3 में आई गेस 65। तो प्री में भी आपका अच्छा स्कोर था, मतलब इवन जैसे लोग कह रहे हैं कि पेपर का लेवल रेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीजें अगर हम कहें भी, उसके बाद भी आपका प्री में 159 स्कोर था और उस साल कट ऑफ 137 गई थी। और क्योंकि मैंने भी उसी साल एग्जाम क्लियर किया है तो वहां पे प्री में प्री में मार्जिन था काफी मेरे पास, अच्छा खासा एडवांटेज रहा था उसका। तो मेरे भी इतने ही मार्क्स थे, 159 ही मार्क्स थे प्री में, बट मेरे अच्छे नहीं थे। आपके टीयर 2 में 184 थे मैथ्स में एंड आई वाज नॉट दैट गुड, तो मेरा उतना मेरा अराउंड 150 के आसपास था मैथ्स में और इंग्लिश में भी 150 था। आपका इंग्लिश भी 164 था एंड देयर यू गॉट द लीड। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट हियर बाय द लाइव एग्जांपल्स दैट दोनों लोगों के प्री में सेम मार्क्स थे, बट इफ यू डू नॉट यूज दैट लीड, अगर यूज नहीं करोगे तो आपका हाल मेरा जैसा भी हो सकता है और मुझसे बुरा भी हो सकता है कि आपने प्री में अगर कम किया है तो आप मेंस में अच्छी लीड बनाइए, और अगर प्री में लीड है तो उसको मेंस में भी बरकरार रखिए, तो ही आपको फायदा होगा। अब इनके 184 मार्क्स थे आपके मैथ्स में, तो दैट वाज अ वेरी गुड स्कोर एट दैट। आप 184 हो सकता है आपको सुनने में उतना अच्छा ना लग रहा हो मार्क्स, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, 184 लाने के लिए आपको आइडिया है कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 184 लाने के लिए 92 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि 200 में से सिर्फ 8 सवालों में आपको मौका मिलता है कि आप छोड़ सकते हैं, बाकी 92 क्वेश्चन सही करने होंगे। 92 क्वेश्चन सही करना मैथ्स में आज भी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैथ्स में 184 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और इंग्लिश में 164, मैं आप दैट टाइम उस समय इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं जाता था। अभी इंग्लिश का जो पेपर का लेवल हुआ है वो लगातार गिर रहा है, तो अभी क्या है कि इंग्लिश में लोगों के 200 में 200 भी आ रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बिफोर नॉर्मलाइजेशन भी 195 मेरे स्टूडेंट्स के भी आए हैं। लेकिन उस समय, जब मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय 164 इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्कोर मानते थे। उस समय तक इतने सारे इंग्लिश में ज्यादातर लोगों का ये होता था कि मैथ तो स्कोर कर लेते थे लेकिन इंग्लिश स्कोर नहीं होता था, तो इंग्लिश भी आपका 164 अच्छा स्कोर था। एंड तरीका वही था कि आपने प्रैक्टिस सेट्स किए, जो नीतू सिंह की किताब है वो सॉल्व करी, और जो आपने क्लास में पढ़ाया गया उसको रिगरसली फॉलो किया और स्टडी किया। आप किस तरह सिर्फ इधर उधर आप भटकते नहीं रहे, यानी कि आज ये किताब लगा ली, कल वो किताब लगा ली, जो किताबें हैं उनको आप लगातार करते रहे। यस यस यस। और जीएस के लिए भी देखिए, आपने लूसेंट किया, 159 स्कोर आया है लूसेंट पढ़ने के बाद। तो आप लोग इधर उधर भटकते रहते हैं कि ये मटेरियल पढ़ लें, वो मटेरियल पढ़ लें, उसके बजाय जो आपकी जो रेगुलर बेसिक मटेरियल है, हाँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उनको ही पढ़िए। इधर उधर भटकने का कोई खास यूज नहीं है, राइट? ओके, सो इसके अलावा रीजनिंग आ जाता है, तो रीजनिंग में आपने कितना समय दिया था? रीजनिंग के लिए तो अलग से जो मेरा फर्स्ट टाइम का मेरी होम टाउन कोचिंग थे, बस वहां से थोड़े से ट्रिक्स जो सीखे थे वही सीखे थे, बाकी प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में काफी प्रैक्टिस हो जाती है। मैथ स्ट्रांग था तो दैट विल वर्क, दैट विल हेल्प। तो हो जाता था रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स के। ठीक है, तो ये रीजनिंग हो गया। और टीयर थ्री के लिए क्या किया था आपने? टीयर थ्री के लिए वही न्यूज़पेपर और थोड़े से एसेज वगैरह लिख के देखे थे। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश 600 में से 250 मार्क्स की आती है, सो अगर आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप अपना स्कोर बहुत ही इजीली मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज से आप इंग्लिश के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर चाहे वो वोकैबुलरी हो या फिर ग्रामर। क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम खुद क्लियर किया हुआ है, सो मुझे पता है कि एग्जाम में पैटर्न क्या है, क्या वेरिएशन है और क्या कुछ ट्रेंड फॉलो करके आपकी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। मैं हूं अमन त्रिवेदी और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं। हाँ जी, तो मैं पूछा था टीयर थ्री के बारे में कि टीयर थ्री के लिए आपने कहा कि आपने एसेज और लेटर की प्रैक्टिस की थी, तो क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रही थी टीयर थ्री के लिए, आप क्या करते थे? टीयर थ्री में मेरे कुछ 2015 के कुछ फ्रेंड्स थे जो ज्वाइन कर चुके थे, तो जो एसेज वगैरह मैं लिखती थी उनको व्हाट्सएप कर देती थी या क्रॉस चेक करने के लिए, तो थोड़े से सजेशंस मिल जाते थे वहां से। तो एज सच कोई टीचर नहीं थे, बट हाँ फ्रेंड्स सर्किल में करेक्शन वगैरह करके तो वहां से इम्प्रूवमेंट थोड़ा हो जाता था। और न्यूज़पेपर से एडिटोरियल वगैरह पढ़ते थे, तो उसका प्रिसीज राइटिंग का एक ऑप्शन आता है वो पेपर में, तो उसको ट्राई करती थी प्रिसीज करने के लिए। वही किया था टीयर थ्री में। ओके, तो मतलब आपने कुल मिला के न्यूज़पेपर से पढ़ा और खुद लिख के प्रैक्टिस करते थे आप। तो कोई टीयर के लिए आपने कोई बुक लगाई थी? नहीं, बुक नहीं लगाई। ऑलराइट, सो लेट्स रिवाइज अवर वंस बुक लिस्ट। आपने इंग्लिश के लिए बताई आपने नीतू सिंह की बुक और प्रैक्टिस सेट आप लगाते थे, और मैथ्स के लिए किरण की बुक आपने लगाई, किरण पब्लिकेशन, क्लास नोट्स। ईएस के लिए आपने लूसेंट लगाया, और अपने रीजनिंग के लिए नहीं। रीजनिंग के लिए एज सच कोई बुक मुझे याद नहीं है, वैसे शायद अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक आती थी, तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वो की थी प्रैक्टिस सेट, वो जब हम टॉपिक्स तैयार कर रही थी तब। एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर कोई बुक नहीं देखी थी, फिर प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो आपने ये हो गया। उसके बाद मॉक टेस्ट आप कैसे देते थे और कितने मॉक टेस्ट आप देते थे? मॉक टेस्ट जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था उसके बाद रेगुलर था कि दिन में एक मॉक टेस्ट देना ही है, कभी कभी बल्कि दो भी दिए थे। केडी कैंपस और पैरामाउंट दोनों के लिए मैंने ले रखे थे मॉक टेस्ट। सो टाइम वाइज टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2 आवर्स में वो कंप्लीट करती थी। होने के बाद फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये था कि केवल मॉक टेस्ट देने हैं और वो वही रिवाइज करते हैं, तो वो हो जाता था। उसके बाद रिवाइज किया जो भी स्कोर रहा है, कि कभी कभी सिली मिस्टेक्स भी होती थी कि ये क्वेश्चन तो फालतू गलत हो गया कि इसको, तो वो नेक्स्ट में रिवाइज सुधार करना है, उसमें दोबारा ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसको एनालाइज करना और उसमें जो गलतियां हैं उनको दूर करना। हाँ, तो ये मॉक टेस्ट का हो गया। तो अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है कितना समय एक स्टैंडर्ड टाइम एक स्टूडेंट को देना चाहिए तैयारी करने के लिए? फॉर एसएससी आई थिंक 6 months आर एनफ, बट ये एसएससी के अब तो एग्जाम्स की वजह से टाइम, एसएससी का ही बुरा हाल है इस समय, तो ये टाइम इतना ज्यादा खींच जाता है, उससे प्रिपरेशन भी इफेक्ट पड़ता है उस पे भी। तो 6 months आर एनफ। तो टाइमली हो रहे हैं, बट ये कोरोना टाइम्स की वजह से थोड़ा सा और चक्कर हो गया, अदरवाइज हाँ और ज्यादा हो गया। हाँ, एग्जाम्स टाइम हो जाते हैं, बट रिजल्ट और ज्वाइनिंग, एसएससी का रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग का बहुत इशू रहता है। बट इज इट वर्थ? हाँ, इट वर्थ, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो हाँ इट वर्थ। ओके, तो आपने एएसओ की पोस्ट ली थी। अच्छा, आपकी ऑल इंडिया रैंक 138 थी, तो ऑब्वियसली आप और भी बेहतर पोस्ट ले सकते थे। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको मिल जाती शायद, आपको मिल जाती, तो ये सारी पोस्ट मिल सकती थी, बट व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर देम? उस टाइम सीएसएस ये था कि सेटल्ड, अगर आपको एक सेटल्ड लाइफ चाहिए है तो सीएसएस में फिक्स है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली ही रहेगी, तो उस टाइम इस के अकॉर्डिंग मैंने सीएसएस ही प्रेफर किया था फर्स्ट, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया था, तो उस टाइम सीएसएस किया था। सेकंड पे सेकंड मेरा इनकम टैक्स था, बट फर्स्ट में ही मुझे ज्वाइनिंग मिल गई, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट मतलब सीएसएस में मिनिस्ट्रीज में जॉब मिलती है, तो क्या कुछ आपका जॉब एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ आप काम करते हैं? जॉब एक्सपीरियंस ऐसा है, वर्कलोड है दिल्ली में। अगर दिल्ली में तो अगर आपके ऑफिस हैं तो वर्कलोड रहेगा। अगर आपको अगर आप फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप दिल्ली के लिए प्रेफर ना करें सीएसएस में। हाँ, और नई पोस्टिंग मिल सकती है क्या? बहुत रेयर चांसेस हैं, मोस्टली दिल्ली ही रहेंगे, बट बहुत रेयर चांसेस में कहीं और पोस्टिंग हो सकती है। तो फिर मतलब सीएसएस लोगे तो आप दिल्ली में रहोगे, दिल्ली में रहोगे तो वर्कलोड रहेगा। हाँ, वर्कलोड है। मतलब और इस पर मिनिस्ट्री वाइज भी डिपेंड करता है कि स्टाफ, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री में थोड़ा मतलब स्टाफ की शॉर्टेज, जो नई मिनिस्ट्रीज जो बन रही है उनमें स्टाफ की थोड़ा शॉर्टेज है। जो एस्टेब्लिश मिनिस्ट्री है वहाँ प्रॉपर स्टाफ है, फाइनेंस है, होम है, वहाँ प्रॉपर स्टाफ रहता है, तो वहाँ वर्क एलोकेशन डिवाइडेड है, आपका फिक्स काम है। बट जहाँ स्टाफ कम रहता है वहाँ पे सारा काम आप पर आ जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे जितना याद है कि हमारे समय पे ये कहा जाता था कि आप सीएसएस इसलिए लेते हो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अच्छा टाइम मिलता है, दिल्ली में रहते हो, तो कितना सच्चाई है? दिल्ली जॉब एक्सपीरियंस से मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रिपरेशन मिलता है। हाँ, वो अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो आप टाइम निकाल सकते हो, बट ऑफिस आवर्स में ऐसा नहीं मिलेगा। पहले हमें भी लगता था कि हाँ ऑफिस में रह के पढ़ सकते हो, नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिल्ली कि आप ऑफिस में रह के पढ़ पाओ। अच्छा, काफी काम है। हाँ, तो 9:30 to 6 आप मंडे टू फ्राइडे जाते हो? हाँ, 9:30 to 5:30 और 6 इज टाइमिंग बट 5:30 यूजुअली। ऑलराइट, तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो जो फर्स्ट सैलरी बनती है वो कितनी बनती है? मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट इन हैंड 58 करीब 58000, मतलब आई थिंक 6000 के ऊपर बनती होगी, और वो थोड़ा सा होता है एनपीएस के बाद में आपको 58000 इन हैंड मिल जाती है। सो दैट्स अ वेरी गुड सैलरी टू लिव इन दिल्ली। हां, यस। तो क्वार्टर गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं आपको कि आप पीजी लेना? गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, बट शॉर्टेज, क्वार्टर्स की शॉर्टेज है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा, तो वेटिंग लिस्ट काफी लंबी रहती है। अच्छा। तो इसलिए मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं कि आप रेंट पे कहीं रहें, क्योंकि एचआरए भी थोड़ा सा उसमें बच जाता है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में फिर एचआरए नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपको बाहर ही रहना पड़ता है। और अच्छा, वैसे ऑफिस से काफी दूर रहना पड़ता होगा, क्योंकि ऑफिसेस तो ये दिल्ली के पॉश लोकेशंस में हैं। हाँ, पास में भी मिल जाते हैं ऑफिसेस के पास भी, जैसे मेरा अभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे पास में भी मिल जाते हैं, बट हाँ जो मेन सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग है वहाँ के आसपास, वहाँ से तो थोड़ा दूरी लेना पड़ेगा आपको, और वहाँ रेजिडेंशियल एरिया नहीं। तो प्रमोशंस वगैरह कैसे हैं इस पोस्ट पे? प्रमोशन सीएसएस में आर नॉट गुड फॉर नाउ। Actual promotion is 7 years after 7 years, but because of court cases, even earlier promotions are not done yet. Our earlier batches. आप ASO से ASO 7 साल में बनते हो on paper, but actually क्या कब बनोगे नहीं पता है. Yes, हाँ. ASO के बाद क्या बनते हैं? US Under Secretary. अच्छा, Under Secretary बनते हैं. Under Secretary बनते हैं. तो Under Secretary तो I think IS rank की जॉब होती होगी. यूपीएससी से अंडर सेक्रेटरी ज्यादातर प्रमोटीज होते हैं, जो असिस्टेंट प्रमोटीज होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर ज्वाइंस फ्रॉम द एएसओ किस पोस्ट तक को जा सकता है? जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एज एंड डिपेंड्स ऑन सिनेरियो। अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत एज, जैसे आपने तो बहुत अर्ली एज में ज्वाइन कर लिया, आई थिंक 21 22 में ज्वाइन कर लिया है, तो मेरे लिए कहा जाता था कि I would touch to JS. I might touch to JS, but अब जो सिनेरियो है उसमें नहीं लगता कि JS तक अब JS मतलब joint secretary. But हाँ, it is joint secretary, but that is after joining I get to realize that it is not going to be happen. आपको क्या लगता है किसको CSS की पोस्ट के लिए ऑप्ट करना चाहिए? जो एक सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, जिनको दिल्ली पसंद है, जो एक सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, वर्कलोड भी ऐसा नहीं है, आपको वर्कलोड है तो आपको सीखने को भी मिलता है, आप डील करते हो, कभी जेएस लेवल के ऑफिसर से आप डायरेक्ट डील कर सकते हो, तो वो सीखने को भी मिलता है, वर्कलोड है तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वर्किंग का आइडिया मिलता है आपको। और अगर आप सेटल्ड लाइफ चाहते हो, दिल्ली आपको पसंद है, अगर आप इतना एंथुसियास्टिकली आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो, स्पेशली दिल्ली में सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, तो देन दिल्ली, गो फॉर दिल्ली और गो फॉर सीएसएस। सो आपका अगर हम बात करें यहाँ तक, तो आपने आगे की क्या जर्नी है? आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं या यहीं तक करेंगे? सीएसएस ज्वाइन करते वक्त एक माइंड में ये भी था कि दिल्ली है तो कोचिंग हो जाएगी अच्छे से, तो ये भी था, बट आई एम ट्राइंग, आई वुड ट्राई, बट ऑफिस आवर्स में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी कोरोना टाइम में थोड़ा टाइम मिल रहा है, सो आई एम डूइंग, आई एम स्टडीइंग, ट्राइंग टू क्लियर माय बेसिक्स। लेट्स सी। सो एनी फेवरेट बुक? लास्ट एक छोटा सा क्विक सेगमेंट कर लेते हैं। Any favorite book? I have recently studied autobiography of Gandhi ji. Gandhi ji, my favorite. I like that. Yes, recently studied that. It's good and मतलब इतना truthful इंसान that is as it is किसी चीज को लिखना we can't do that. So that is inspiring and that is motivation also. How to join so much so masses. Right. For one motive, so that is inspirational. Next book कौन सी पढ़ने वाले हैं? अभी let's see, I would wish अभी क्योंकि अंबेडकर जी को मैं पढ़ना चाहूँगी, तो उनका देखती हूँ मैं अभी. Any movie you recommend to students? I'm not a fan of movies, watching movies, so movies का idea नहीं है. Alright, so let's keep it till here. I hope आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा. तनु मुदगल का ये इंटरव्यू. She got all India rank 138 through her efforts, and आप सभी ने जाना कि उन्होंने कैसे इस रैंक को हासिल किया, क्या कुछ उन्होंने एफर्ट्स किए. आप सभी भी रैंक हासिल कर सकते हैं अगर आप तन मन धन से लगन से पढ़ाई करें, बजाय इधर उधर भटकने की. एक लक्ष्य बना ले कि मुझे यही करना है. टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप अल्टीमेटली एक सेटल लाइफ जीते हैं और एक आपकी एक अच्छी जीवन जी पाते हैं. आपको सैलरी भी पता चल गई, आपको प्रमोशंस के बारे में भी पता चल गया, आपको स्ट्रेटजी भी पता चल गई, आपको बुक लिस्ट भी पता चल गई. तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चुपचाप उठाइए किताबें, उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए. बजाय हर महीने अपनी किताबें बदलने की और किताबों की लाइब्रेरी बनाने के, 4 किताबें पढ़िए लेकिन उनको इतनी बार पढ़िए कि आप इस एग्जाम को एक बार में क्लियर कर पाए. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू वेरी मच तनु फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू. और ये एसएससी मैस्ट्रोस का पहला इंटरव्यू था. तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू.